Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube फैमिली का हिस्सा बने। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुफीद टोटका लेके आई हूँ बालों के लिए, जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। आजकल हर दूसरी लड़की को ये मसला है कि उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, या अगर गिरते हैं तो दोबारा उगते नहीं है, बहुत कम हो गए हैं, बहुत फ्रीजी हेयर्स हैं और मतलब बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो ये वीडियो उनके लिए पहला बेस्ट होगी। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। सो गाइज, मैं अपने लिए बनाने लगी थी ये रेमेडी, सो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं, ताकि जिन लोगों को या जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है हेयर की, वो यूज करें और इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ये लड़कियां भी यूज कर सकती हैं, लड़के भी, अंकल भी, आंटियां भी, सब यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए है, वो हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। तो आपको पता है कोकोनट ऑयल जो है वो बालों के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये कोकोनट ऑयल चाहिए, फिर उसके बाद हमें इसमें चाहिए ये मेथी दाना। ये आप देख सकते हैं, एक मोटे वाला होता है, एक बारीक वाला। ये बारीक वाला, हमें ये बारीक वाला चाहिए मेथी दाना। और हमें चाहिए उसके लिए कलवंजी, ये आप देख सकते हैं, उसके लिए हमें ये कलवंजी चाहिए। और हमें प्याज चाहिए रेड वाला। जो रेड वाला प्याज होता है वो, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो व्हाइट वाला होता है। तो इसमें जो हम प्याज यूज करेंगे वो ये रेड वाला प्याज, आप देख सकते हैं, देखें ये रेड वाला प्याज है, ये वाला प्याज हम यूज करेंगे। इसके जो है वो उससे ज्यादा जो है, इस प्याज के ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि रेड वाला प्याज यूज करें। और एक प्याज होता है जो ज्यादा दिनों का पड़ा हुआ होता है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, आपने वो वाला प्याज यूज नहीं करना, आपने बिल्कुल फ्रेश जो है अनियन यूज करना है। उसके बाद हमें कड़ी लीव्स चाहिए, ये फ्रेश वाले नहीं है, ये ड्राई है, तो हमें यही वाले चाहिए। तो ये तीन चार बस हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद हम इसमें कास्टर ऑयल यूज करेंगे, ये हम इसमें नहीं डालेंगे जब हमें प्याज इस तरह से नहीं, हमें प्याज ग्राइंड करके चाहिए। तो जो हम इसमें प्याज हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ग्राइंड करके ऐड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सो हम इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे, जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो तब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो कास्टर ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें जो है प्याज ऐड कर लिया, अब इसमें हम कास्टर ऑयल डालेंगे। हमने बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 टी स्पून जो है वो हमने इसमें जो है कास्टर ऑयल अपना ऐड करना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर दूंगी बस। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, इसको मैं ग्राइंड करके लेके आती हूँ। सो गाइस, आप चेक कर सकते हैं प्याज को मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें अपने दूसरी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। इसमें अब हम इसमें मेथी दाना 2 बड़े चम्मच जो है हम इसमें ये ऐड कर देंगे। उसके बाद इसी क्वान्टिटी में 2 बड़े चम्मच, ये ज्यादा है, इसको हम थोड़ा, ये देखें 2 चम्मच हमने ऐड कर लिए। इसमें हम 3 से 4 जो हैं ये कड़ी पत्ता जो खुश्क हैं वो वाले हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे। और आपने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे है जो इसको पकाना, अगर हम इसको ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जो हमारा ऑयल है ये सही से नहीं बनेगा। तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। सो गाइज, हमने इसके नीचे बहुत ही लो फ्लेम ऑन की है, जिस तरह के आप समझ लें चावलों को दम लगाते हैं ना, उस तरह से आपने जो है वो नीचे फ्लेम ऑन करनी है। तो अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और इसको बीच बीच में आहिस्ता आहिस्ता से हलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल में जो है वो बबल्स आना स्टार्ट, जब ये बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने इसको हल्के हल्का हलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। सो गाइस, 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते पकते, अब ये हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो गया है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए जो है वो थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसको जार में जो है हम महफूज कर लेंगे। 2 मिनट तक वेट करते हैं इसके ठंडे होने का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी रेमेडी हो गई है रेडी। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लिया, इसको ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको शीशे की बोतल में जो है वो सेव कर लेंगे। तो आपने इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी यूज़ करना है। तो सो गाइस, ये जो कोकोनट का ऑयल होता है ये मोस्टली होता है जम जाता है, अगर ये जम जाएगा तो आपने इसको लगाने से पहले किसी भी बर्तन में थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है और उसमें जो है इसको, इसकी जो बोतल होगी उसको उसमें रख देना है। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर आपने इसको अपने बालों में लगा लेना है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप
आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको ऑयल को यूज़ करें, इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक वीक में 2 से 3 बार जो है वो लाजमी इसको यूज़ करना है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।